हेलो किड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 यूज़ ऑफ ए और एन ऑफ इंग्लिश ग्रामर. चैप्टर 4 ऑफ इंग्लिश ग्रामर यूज़ ऑफ ए और एन. लुक एट द फॉलोइंग टेबल. अ डॉग, एन एप्पल, अ पेंसिल, एन ईगल, अ फैन, एन इंक पॉट, अ टेम्पल, an orange, a bicycle, an umbrella. When we want to speak of one person, place, animal or thing, we use a or an before it. जब भी हम किसी एक person, one person, किसी एक person, one place, one person, one place, one animal या one thing की बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं उससे पहले, वी यूज़ ए और एन बिफोर इट. तो हम उससे पहले यूज़ करते हैं ए और एन जब भी हम किसी वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग की बात करते हैं, तो हम उससे पहले यूज़ करते हैं ए और एन बिफोर इट, से पहले. फॉर एग्जांपल, अ पेंसिल मीन्स वन पेंसिल. अ पेंसिल मीन्स वन पेंसिल. एक पेंसिल का क्या मतलब है? अ पेंसिल का क्या मतलब है? वन पेंसिल. अ पेंसिल का मीन है वन पेंसिल, एक पेंसिल. एन एप्पल मीन्स वन एप्पल. एन एप्पल का मीन्स है वन एप्पल. गॉट इट? अ पेंसिल मीन्स वन पेंसिल, एन एप्पल मीन्स वन एप्पल. एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड A E I O U. A E I O U. एन हम यूज़ करते हैं, एन हम कब यूज़ करते हैं? हमेशा पहले. किसके पहले? जो वर्ड की, जिस वर्ड की बिगिनिंग होती है वॉवल साउंड से, लाइक A E I O U. जिस भी वर्ड की शुरुआत, जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है A से या E से या आई से या ओ से या यू से, वहाँ हम यूज़ करते हैं एन. वहाँ हम यूज़ करते हैं एन, ए एन एन. लाइक एन एप्पल, एन एप्पल. एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला. एन ऑरेंज, एन ऑरेंज. ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. और ए हम यूज़ करते हैं उससे पहले जो वर्ड की बिगिनिंग होती है कॉन्सोनेंट साउंड से, वॉवल से, जो अलग है कॉन्सोनेंट साउंड उनसे जो स्टार्ट होते हैं वर्ड, वहाँ हम यूज़ करते हैं ए. लाइक अ डॉग, अ पेंसिल, अ फैन. नेक्स्ट पेज नंबर 18, एक्सरसाइज ए. राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स. आपको ए और एन लिखना है नीचे लिखे नाउन्स से पहले. नंबर वन, पपी. एंड यू हैव टू राइट ए बिकॉज पपी किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर पी से. सो यू हैव टू राइट हियर ए, अ पपी, अ पपी. सेकेंड, गिफ्ट. एंड द गिफ्ट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर जी. सो यू हैव टू राइट हियर ए, अ गिफ्ट, अ गिफ्ट. सेकेंड, एग. थर्ड वन, एग, ई डबल जी एग. एंड एग स्टार्ट विथ वॉवल साउंड ई, वॉवल साउंड ई. So you have to write here N, A N N, N egg. Fourth, C H O C O L A T E, chocolate. And chocolate start with the consonant sound C. So you have to write here a chocolate. Fifth, girl. And girl beginning with consonant letter G. So you have to write here a girl, a girl.
and here you have to write a, because tree start with consonant letter T. So you have to write here a tree. B A double L ball, and you have to write here a ball, because ball start with consonant letter B. So you have to write here a ball. A N I M A L animal, and you have to write before the animal N, because animal start with vowel A. So you have to write here N, animal. And you have to write before the word ice cream N, because ice cream start with I, and I is also vowel. So you have to write here N, ice cream. N, ice cream. Last one, star, and you have to write before the word star a, because star is the beginning with consonant letter S. So you have to write here a star. Exercise B. B. And B. Fill in the blanks with A or N. आपको इन फिलअप को किससे किसके साथ भरना है, ए और एन के साथ. ओके, नंबर वन, दिस इज डैश पेन. दिस इज डैश पेन, एंड यू हैव टू राइट हियर अ पेन. यह एक पेन है, एंड यू हैव टू राइट हियर अ, बिकॉज पेन बिगिनिंग विद द कॉन्सनेंट लेटर पी. सो यू हैव टू राइट हियर a pen. Number two, this is dash an elephant. This is dash elephant, and elephant beginning with vowel e. So you have to write here n. This is an elephant. Number three, this is dash orange, and you have to write here n, because orange start with vowel O, because orange start with vowel. So you have to write here, this is an orange. Number four, this is dash bell, and you have to write here a. This is a bell, because bell beginning with consonant letter B. So you have to write here, this is a bell. Number five, this is dash horse, and you have to write here a, because horse beginning with consonant letter H. So you have to write here, this is a horse. This is a horse. Number six, this is dash onion, and you have to write here N, because onion beginning with vowel sound O. So you have to write here N. This is an onion. This is an onion. Number seven, this is dash temple, and you have to write here a, because temple beginning with consonant letter T. So you have to write here a. This is a temple. Number eight, this is dash banana, and you have to write here a, because banana beginning with consonant letter B. So you have to write here, this is a banana. Number nine, this is dash umbrella, and you have to write before word umbrella N, because umbrella beginning with vowel letter U. So you have to write here N. This is an umbrella. यह एक umbrella है. Last one, 10. This is dash cow. This is dash cow, and you have to write here a, because cow beginning with consonant letter C. So you have to write here this is a cow. यह एक गाय है. Got it, kids?